श्यामनगर में कार सवार तीन युवकों ने राचल ते नाबालिग बॉक्सिंग खिलाड़ी को बदनीयती से अगवा कर लिया। चलती कार में युवकों ने उसे दबोचकर छेड़खानी शुरू कर दी। किशोरी के शोर मचाने पर इलाके के लोग दौड़े और कार सवार तीनों युवकों को दबोच लिया। इसके साथ ही पिटाई करने के बाद चकेरी थाने पुलिस के हवाले कर दिया। श्यामनगर निवासी व्यापारी ने बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी इंटर में पढ़ाई करती है, साथ ही बॉक्सिंग की खिलाड़ी भी है। उनकी बेटी जिला स्तरीय चैंपियन भी है और गोल्ड मेडल जीत चुकी है। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम को उनकी बेटी घर से जिम जाने के लिए निकली थी। जिम के पास कार सवार चार युवकों ने अचानक कार रोक दी और बेटी को जबरन गाड़ी में खींचने लगे। इसके बाद चारों ने अश्लीलता शुरू कर दी। किशोरी के चीखने और चिल्लाने पर रागीर और इलाके के लोग दौड़े चले आए। कार सवार चारों युवकों को भीड़ ने दबोच लिया। किशोरी को छुड़ाने के बाद चारों आरोपियों को जमकर पीटा और चकेरी थाने पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम आकाश द्विवेदी, अमन द्विवेदी, अनुभव तिवारी और पीयूष दीक्षित बताया है। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि चारों के खिलाफ छेड़खानी, अपहरण का प्रयास समेत अन्य धाराओं पर FIR दर्ज की गई है। आरोपियों के पास बरामद कार भी जब्त कर ली गई है। आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।